Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. आज काफी eventful day है. इसके लिए नहीं कि आज US Central Bank का policy meeting है रात को, जिसके बारे में हम लोग कुछ ही देर में बात करेंगे. But China में जो हो रहा है, China में जो one of the largest property developers है Evergrande, which is in deep stress, कल उसका bond का coupon payment है. There are two kinds of bonds which Evergrande has issued. One which they have issued to domestic investors, dusra which they have issued to foreign investors. So Evergrande ka jo latest statement hai, usme they have said that they will be honoring the payment of coupon to domestic investors, but they are silent on what they will do for the coupon payment on foreign bonds. So iske karan the markets are now on a bit anxious in case they default on the foreign bonds. तो उसका एक नेगेटिव रिपरकशन आ सकता है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स कैन राइज, डॉलर युआन विच इज यूएसडी सीएनएच कैन राइज, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन इज बैड फॉर इक्विटी मार्केट्स. इक्विटी मार्केट्स कैन फॉल एंड डॉलर रुपी कैन राइज. तो ये एक इवेंट पे वी हैव टू कीप अ केयरफुल आई ऑन कि वो कल, दैट इज एवरग्रांड, कल दोनों ही बॉन्ड्स का कूपन पेमेंट को ऑनर करता है या सिर्फ वो डोमेस्टिक बॉन्ड्स का कूपन पेमेंट को ऑनर करके फॉरेन बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट करता है कि नहीं. तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू वॉच वेरी केयरफुली. नाउ कमिंग टू द यूएस सेंट्रल बैंक मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग काफी इवेंटफुल है बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस. तीन चीज जो देखा जाएगा ये मीटिंग में, एक कि यूएस सेंट्रल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द टेपर टाइमलाइन, कि कब से वो अपना एसेट परचेज जो करेंटली $120 billion है पर मंथ विल बी रिड्यूसिंग. मार्केट एक्सपेक्टेशन इज दैट इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग सम टाइम बिटवीन नवंबर और दिसंबर एट द रेट ऑफ $10 to $15 billion अ मंथ, विच इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, विच इज मोर और लेस एक्सपेक्टेड. एंड मोर और लेस एक्सपेक्टेड के कारण उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन आना नहीं चाहिए. बट सेकेंड चीज जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि वॉट इज द एक्सपेक्टेशन ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी तक फेडरल रिजर्व का जो 18 मेंबर्स है उनका लगभग ये स्टांस रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन टेम्पररी है और वो कम हो जाएगा. तो वही व्यू वो रखते हैं और आर दे गोइंग टू चेंज द आउटलुक और नॉट. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेडरल रिजर्व का एक्सपेक्टेशन ऑन इंटरेस्ट रेट्स, लास्ट जून मीटिंग में दे हैड सेड कि 7 out of 18 मेंबर्स दे हैड सेड दैट दे एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू बी हाइक्ड, फर्स्ट हाइक टू हैपन नेक्स्ट ईयर. इज दैट नंबर गोइंग टू इंक्रीज और नॉट? अगर वो नंबर इंक्रीज होता है, 7 से ज्यादा मेंबर्स स्टार्ट टू से दैट दे विल दे आर गोइंग टू वोट फॉर अ हाइक नेक्स्ट ईयर, दैट इज गोइंग टू बी बुलिश फॉर द डॉलर इंडेक्स. तो ये तीन पहलू पे हम लोगों को ध्यान देना है. एक, टेपर कब स्टार्ट होगा, कितना होगा. दूसरा, इन्फ्लेशन फोरकास्ट. और तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स का प्रोजेक्शंस क्या है, जो हम लोग बोलते हैं डॉट प्लॉट. ये तीन चीज पे ध्यान देना है, जिसके ऊपर करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट का ट्रेंड विल डिपेंड. इट्स क्लोज टू मिडनाइट, सो उसका पूरा इंपैक्ट विल कम टुमारो मॉर्निंग वंस वी स्टार्ट ट्रेडिंग. तो डॉलर रुपी में क्या ट्रेड करना है? डॉलर रुपी क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है और ये चाइनी सिचुएशन इज स्टिल वेरी ट्रिकी, तो थोड़ा सा भी अगर हल्का हॉकिश हुआ फेड, तो हो सकता है कि डॉलर में रैली आ जाए, तो डॉलर रुपी में एक अपसाइड आ सकता है. क्योंकि लोअर लेवल्स में डॉलर रुपी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट अराउंड 7360 या 7350 के आसपास. डॉलर रुपी इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग आरबीआई इंटरवेंशन टू. तो इसका मतलब वी कैन डू टू काइंड ऑफ ट्रेड्स. वी कैन बाय ऑन डिप्स द फ्यूचर्स, बट वो रिस्की है क्योंकि इवेंट रिस्क है. तो अगर लो रिस्क ट्रेड करना है तो आप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन, दैट इज 74 का कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग ऑन 28th of September कैन बी बॉट. 8-9 paise का है, उसका रिस्क इज लिमिटेड, सो दैट यू कैन बाय इन केस ऑफ ब्रेकआउट मूव, यू कैन मेक अ डिसेंट गेन ऑन दैट. सो दैट्स इट फोक्स, दिस इज अनिंदा बैनर्जी साइनिंग ऑफ. हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड.